जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम उठाते हैं जनता की आवाज। गुरुग्राम में एक युवक की बुरी तरह पिटाई करने के आरोप में चार लोगों को आज गिरफ्तार किया गया था सेक्टर 65 थाने के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ ये युवक, जो कि बताया जा रहा है कि दिल्ली निवासी हैं, और इनके बारे में संबंधित जो SHO हैं और जो ACP क्राइम है प्रीतपाल ने, उनके द्वारा भी आज बाइट दी गई है। लेकिन जानकारी जो देखने में आ रही है कि इनकी जो क्रेटा गाड़ी है उसके ऊपर MP लोकसभा लिखा हुआ है, यानी किसी न किसी MP सांसद के ये रिश्तेदार हो सकते हैं। कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले को या तो लीपापोती कर रही है या फिर जानबूझ करके इस मामले को छुपा रही है कि ये लोग किसी सांसद के रिश्तेदार नहीं हैं, क्योंकि MP लोकसभा लिख करके इस तरह से गाड़ी चलाना भी कानूनन जुर्म है। यदि ये इस तरह का जुर्म करते हैं तो पुलिस ने इसमें एक और FIR क्यों दर्ज नहीं की, क्यों 420 का केस इनके ऊपर नहीं लगा इस मामले में। तो देखना ये रहेगा कि आगे क्या पुलिस इस मामले में, इस खबर के बाद में कोई कार्रवाई करती है या नहीं करती है। देखिए ये खास खबर। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। संबंध में हमने सेक्टर 65 पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए SHO की टीम ने बेहतर काम करते हुए उसमें शामिल जो चार आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। उसमें जो शामिल एक गाड़ी जो दिखाई दे रही थी CCTV फुटेज में करेटा गाड़ी, उसको भी हमने कब्जे में ले लिया है और बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। बहुत जल्द बाकियों को भी हम गिरफ्तार कर लेंगे। ये उस दिन होली को लेके इनकी किसी बात को लेके आपस में कड़ा सुनी हुई और फिर इस बात को आगे इन्होंने जाके पीछे जाके उसको रोके, उसकी पिटाई की, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन फिर भी गहनता से पूछताछ की जा रही है, उसके संबंध में जो जानकारी मिलेंगी उसके आधार पर कार्रवाई की। सर कितने आरोपी लगभग इसमें शामिल हैं और गिरफ्तारियां भी होनी बाकी हैं? अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इनसे पूछताछ करके डिटेल में और उसमें जो भी लोग शामिल होंगे सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।